नमस्कार, मैं हूं जगतपाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। बैंक के अंदर 50,000 रुपये पॉकेट मार का मामला सामने आया है। घटना रांची जिला के तमाड़ का है। बैंक ऑफ इंडिया शाखा रायडी तमाड़ में सुबह करीब 10 बजे एदिल्डी निवासी जीत मोहन मुंडा पैसा निकासी करने के लिए बैंक पहुंचा। 50,000 रुपये निकासी उसने किया और बैंक से बाहर निकल ही रहा था, इसी दौरान अंदर में ही उसकी पॉकेट कट हो गई, पॉकेट मार हो गई। जीत मोहन ने बताया कि राशि दो गड्डी में था और राशि की दोनों गड्डी को उसने पेंट में रखा था और पॉकेट मार हो गई। इस घटना के बाद वह तुरंत इसकी जानकारी बैंक अधिकारी को उसने दिया, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन सही नहीं रहने के कारण दिखाई नहीं दे पाया। जीत मोहन के अनुसार बैंक मैनेजर ने बताया कि कल स्क्रीन को सही करके देख लिया जाएगा। हालांकि इधर जीत मोहन ने बताया कि वह तमाड़ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीण इलाके में भी इस तरह की घटनाएं होना समझ से परे है। पॉकेट में रखे हुए थे, दो को गाड़ी था, सत्तर निकल तो 20 वाला गाड़ी एक होता है, 50 वाला गाड़ी था। तो फिर वहाँ बैंक से संपर्क हुआ? हाँ, बैंक संपर्क हुआ तो बोला कि टेक्निकल डिपार्टमेंट को बात हुआ है, सभी कमरा तो होना है बोला, लेकिन इस दिन थोड़ा खराब है तो उसमें नहीं आ रहा, तो कल ठीक हो जाएगा बोला। तो क्या खराब है? एलसीडी से खराब है, एलसीडी में लाइट नहीं आ रहा है। अच्छा, एलसीडी खराब है, कैमरा सही है। जी जी, तो आप जाके तमाड़ थाना में दे दिए सर, बोलिए लिख के दे दिए? दे दिए, तो बोला कि कल ठीक है आते हैं, कल फिर कुछ चेक करते हैं। रायडी मोड़ में मुंडा डिजिटल सर्विस ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। कितना समय में हुआ था ये घटना? वही 10:30 से 10:30 बैंक के अंदर में हुआ है ना? जी जी, बैंक के अंदर में हुआ है।